शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखनाथ परिसर में 5 दिवसीय विराट किसान सम्मेलन का कमिश्नर अनिल कुमार ने किया शुभारंभ। शास्त्री नगर स्थित तो मोबाइल की दुकान से चोरों ने उड़ाए लाखों के मोबाइल और नकदी, घटना सीसीटीवी में कैद। ट्रैफिक पुलिस बूथ का एडीजी दावा शेरपा ने किया उद्घाटन। राजस्व कार्यों एवं करोत्तर की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। तहसीलों में जालसाजी रोकने तथा अन्य बिंदुओं पर की गई समीक्षा। ग्राहक सेवा केंद्र बंद होने से आक्रोशित लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत। उप महाप्रबंधक ने कहा उन्होंने सिर्फ आदेश का किया है पालन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई संपन्न। 14 और 15 अप्रैल को आयोजित होने वाले प्रांतीय सम्मेलन की बनाई गई रणनीति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर 2 लाख नकदी की सहायता प्रदान किए जाने संबंधित फर्जी आवेदन फॉर्म बेचने वाले के विरुद्ध सीडीओ अनु सिंह ने दिया तत्काल गिरफ्तारी का आदेश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष स्वर्गीय संजीव सिंह सिरनेत की मनाई गई पुण्यतिथि। छात्र नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर के लोगों को मच्छर के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम ने कसी कमर। महापौर सीताराम जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से संस्कार भारती करेगा नव वर्ष का स्वागत। संस्था अध्यक्ष रीता ने दी जानकारी। गोरखपुर क्रिकेट लीग में अक्की स्पोर्ट एकेडमी की सुपर क्लब क्रिकेट टीम पर 1 विकेट से रोमांचक जीत। और टीडीएम चैलेंजर्स ट्रॉफी में लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी ने डीसीए गोंडा की टीम को 7 विकेटों से हराया।